इलेवेंथ पास होने के लिए जो हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं, हमारा कितना साइज का एक ड्राइंग चाहिए? एक्चुअली ये दिस इज द नेचर या ऑब्जेक्ट ड्राइंग। अगर हम लोग नेचर कर रहे हैं तो सामने ड्राइंग देख कर करना है। मैं एक कलरिंग के लिए आपको ये सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो एक नॉर्मली ये साइज का ड्राइंग देखो चाहिए। फर्स्ट ड्रा आउटलाइन, ज्योमेट्रिकल आउटर शेप। अगर ये आधा कोकोनट है, आधा नारियल है, तो इस तरह से आएगा। उसके डायरेक्शन कैसे रहेगी? उस तरह से लाएंगे, ठीक है? फर्स्ट ड्राइंग ओवर, देन लाइट। सपोज राइट से लाइट है, तो ये लाइट पोर्शन, दिस इज द मिडल एंड इज द टॉप। अब इधर से लाइट, मिडल एंड डार्क, ये डार्क पोर्शन, इधर शेडो आएगा हल्का, ठीक है? अभी मैं कलरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ कि कलरिंग करते समय आपको डरना नहीं है, बिल्कुल बिंदास फील करना है कि उसके मेन कलर्स कौन सा है। ब्राउन है, ब्राउन के लिए तो ब्राउन का लाइट में डार्क कौन सा कलर है? तो फर्स्ट येलो लाइट, सेम दोनों टेक्निक एक साथ दिखा रहा हूँ। जो लाइट टोन, देन मिडल टोन ऑकर, ऑकर कलर लाइट, द मिडल टोन, देन थर्ड ब्राउन, उसका जो ऊपर का लेयर होता है वो रब होता है, जो नॉट टू प्लेन लाइक दिस, नॉट इज रब हुआ क्योंकि ऊपर ऊपर लाइनिंग रखे तो ऑब्वियसली। तो अगर हम लोग इसके ऊपर भी चाहे तो आप उल्टा ब्रश रख के भी, लेकिन आप जानबूझ के जोर से नहीं करेंगे, स्लोली, तो पेपर फट जाएगा, नहीं तो बाद में मारा छोकरा ना था कि उल्लू था कि इस तरह से करेंगे लाइक दिस। थोड़ा सा इज अ टेक्सचर, उसको क्या बोला जाता है मराठी में, उसको पोत बोलते हैं, पोत, पोत सर गुजराती में आउटर पोत, इंग्लिश में टेक्सचर सर, वो बाल बनाने और जो डॉट मैंने ब्लू कलर थोड़ा सा ऐड किया, डायरेक्ट ब्लैक नहीं लिया, तो इधर दो डॉट मतलब टोटल तीन डॉट होते हैं, एक बैक बैक में ऐसे हल्का, और ये भी कलर थोड़ा से नीचे की तरफ लाइनिंग किया हल्के हल्के लाइक दिस, क्योंकि डार्क के डार्क टोन की तरफ से। ये भी मिक्स किया थोड़ा ड्राई ब्रश से, ऐसा ऐसा हल्का हल्का घूमे, इसके ऊपर भी ड्राई ब्रश लाइक दिस, ये फर्स्ट स्टेप का ही चालू है मेरे बराबर, और भी बाकी है, लाइन आने वाले हैं, डॉक्टर बाकी है, और तभी तक मैं दूसरा काम कर रहा हूँ। ये अगर वाइट रहेगा तो वाइट एंड ब्लू कलर चाहिए, वाइट एंड ब्लू, वाइट कलर लिया है पहले, बाहर की तरफ वाइट कलर करो लाइक दिस। देन हल्का स्मॉल ब्लू मिक्सिंग, तो ग्रे कलर हो जाता है थोड़ा सा, ब्लू के लिए है क्योंकि फ्रेशनेस के लिए, और ज़्यादा हो ब्लू कलर बराबर, इसी से कम आना चाहिए, तो थोड़ा सा और वाइट उसमें मिक्सिंग किया, देखेंगे कि कोई कौन सा कौन चाहिए मुझे ये, और ये मिक्स किया इसके साथ, इसके साथ मिक्स किया वाइट, वाइट के साथ लाइक दिस। हाँ अभी और ब्राउन या थोड़ा सा ऐसा रेडिश कलर दिया ब्राउन के साथ, अच्छा दिखता है, ठीक है? इसके भी हल्के हल्के लाइनिंग किया उसके, थोड़ी
मैडम आप बात क्यों करें इतना, देखने का काम करो। आप जितने ड्राई ब्रश से ऐसे हल्के हल्के लाइनिंग ले रहे हैं, हाँ इसके लिए ऊपर मैंने लाइट रखा ना, अभी आपको पता चला रहेगा कि आपने लाइट क्यों किया। मैंने अभी ये जो वायलेट कलर बना है, रेड प्लस ब्लू, ये रेड प्लस ब्लू वायलेट कलर, पता है आपको कि ऊपर का जो आवरण रखा है, ऊपर का जो उसका एक फिनिश होता है, हाँ मतलब ऐसा कट करेंगे तो वायलेट या ब्लैक पीस दिखता है, हाँ इसलिए मैंने वायलेट कलर यूज किया। और ऐसा थोड़ा टूटा हुआ, कभी सीधा लाइन आता है, कभी ऐसा आउट लाइन, वापस ये दो डॉट को हाईलाइट किया, इसके भी लाइनिंग हल्के हल्के नीचे की तरफ रखा डार्क टोन की तरफ, ये वाला है इसी से थोड़ा सा एक दो लाइट ऐसे बाहर निकला इसे, सब जगह नहीं थोड़ा थोड़ा, अब जो भी कलर करते हैं तो आगे मर्ज भी करना आपको आना चाहिए। लाइट ब्रश कैसे देखो स्मूथ कैसा था, अभी एक स्टॉप प्रॉपर थोड़ा सा सेट करना, भले वो अंधेरे में है लेकिन इतना तो डाक नहीं आना चाहिए, रकम किया उसको। अच्छा तो अभी वाइट लिया फ्रेश कलर वाइट, व्हाइट कलर का कोई भी आया ना थोड़ा सा ब्लू कलर यूज कर, ब्लू ग्रे की तरफ जाता है कलर। हाँ उसके बाद पता है कोकोनट जब भी कट होता है ना तो उसके थोड़े से ऐसे लेयर लेयर हल्के हल्के लाइनिंग दिखते हैं, पता है तो वो अभी व्हाइट के ऊपर कौन सा कलर, थोड़ा हल्का लाइट ग्रे भाई, मैंने कलर बना दिया मैंने देखने, और ऐसे इधर से दो तीन लाइन कट करते ना तो क्या है सर, हाँ लेकिन ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आपने जानबूझ के किया है, डिजाइन जैसे नहीं पिक कर उसको डल किया। अभी और एक क्या कमी है इसमें बता दो, क्या जरूर है एलिमेंट्री वाले, क्या चाहिए? यस गुड, क्या चाहिए बेटा? शैडो, मतलब उसकी जो परछाई जो गिरती है वो जरूरी है, तो एलिमेंट्री वाले क्या करना है, सिर्फ शैडो दिखाना है, लेकिन इंटरमीडिएट में क्या आता है, कपड़ा आता है जो भी है, जो कपड़ा रहेगा उसका डाक दो शैडो, और एलिमेंट्री वाले सिर्फ ऐसा एक गंदा वाटर देखा, ये शैडो इधर मैंने ऐसा ब्राउनिश कलर तैयार किया, इसके नीचे से ऐसा लगाया डार्क साइड कौन सी है, इधर से लाइट है तो सपोज इधर से लाइट देखो, ये उसका शैडो, इसका शैडो देख लो तो किया, सी वाटर लिया, एक गंदा वाटर नहीं है लेकिन वो कलर है बहुत अच्छा कलर मिक कर है, सी ड्राई ब्रश ऐसे, ये पेपर क्वालिटी इतना नहीं है इसके लिए वो कैच दिखता है, चलेंगे आपको किसमें भी कवर करना आना चाहिए, इस तरह से शैडो करेंगे, शैडो को ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ये तो अपना ऑब्जेक्ट में कम ध्यान और शैडो को ज़्यादा ऐसे नहीं होना चाहिए, ड्राई ठीक है, ऐसे बहुत सारे लाइनिंग टाइम मिला तो और भी कर सकते, इस तरह से चालू रखो, इस तरह से आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग का स्टडी करेंगे। पकड़ बेटा हाँ जहाँ दूर जा, इनका भी ले, इनका भी ले, इनका भी ले, ढोल करके समझ लिया, अच्छा इस तरह से आपका ड्राइंग देखने का दूर रखिए, पूरा थ्री डायमेंशन आया उसमें लाइक दिस ठीक है, हाँ तो ये थ्री डी का क्यों आता है, किसके लिए आता है, वो मैंने पहले पहले लाइट मिरर डार्क, लाइट मिरर
डार्क। अच्छा बेटा इस तरह से पहले मैंने क्या किया, लाइट मिडिल डार्क, पहले लाइट मिडिल डार्क होना जरूरी है, बाद में आप कुछ भी कर, लाइट मिडिल डार्क थ्री डी आने के लिए वो करना पड़ता है। ऐसा लगा बच्चे लोग? अच्छा टेक्निक, थैंक यू सर। लैपटॉप बजाएगी, थैंक यू सर। बिंदास फ्रीली वर्क कर रहा, अपने आप पास हो जाएगी। पास होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, डी ग्रेड बी ग्रेड आप क्या सीखे वो सबसे इम्पोर्टेंट। यस, समझ गया ना, ए ग्रेड बी ग्रेड वो बाद में देखेंगे, पहला आप अंदर से सीखना चाहिए। आपको इतना ना ये कभी अभी आप भूलेंगे नहीं, लाइफ में याद रहेगा सर ने हमको ये ऐसे ऐसा सिखाया था, लाइक टू डैट। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू।